हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आज के मैथ क्लास में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.4 ऑफ क्लास 10th। सम की पॉइंट्स ऑफ एक्सरसाइज 4.4। बेटा, ये बातें हम प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। इस एक्सरसाइज में सबसे इम्पोर्टेंट है नेचर ऑफ रूट्स। इट इज़ डिपेंड ऑन डी। हम ये बात बता चुके हैं आपको कि जो नेचर ऑफ रूट्स है वो डी के ऊपर डिपेंड करेगा। डी का क्या नाम है? डिस्क्रिमिनेंट। और ये इसका फॉर्मूला होते हैं बी स्केयर माइनस 4ac। ए बी सी के हैं, रियल नंबर्स हैं, और वो हमें कहाँ से पता चलेगा? जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यहाँ से ए बी सी का पता चल जाएगा, फिर हम डी निकाल लेंगे। डी का फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तीन बातें आपको यहाँ याद रखनी है। नंबर वन, इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो, जब डी की वैल्यू जीरो से ग्रेटर आ जाए, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। जो रूट्स हैं वो रियल होंगे और डिफरेंट होंगे, अनइक्वल होंगे। सेकंड, इफ डी इक्वल टू जीरो, जब डी की वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाए, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। और नंबर थ्री है भाई, इफ डी लेस देन जीरो, जब डी की वैल्यू जीरो से लेस आ जाए, मीन्स जब डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, देन रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। यानी जो नेचर ऑफ रूट्स है वो बेटा डी के ऊपर डिपेंड करेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। सबसे पहले हम नेचर का पता करेंगे, भाई रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, और जब एग्जिस्ट करेंगे तब उनको हमने फाइंड करना है। जैसे कि पार्ट फर्स्ट हम करते हैं, 2x² - 3x + 5 = 0। सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से। तो हमें पता चल गया ए की वैल्यू क्या है, 2 एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 एक्स का जो कोफिशेंट होगा, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। ए बी सी तीनों की वैल्यू हमारे पास है, फिर हम डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला क्या होते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4ac। माइनस 3 स्केयर, नेगेटिव का स्केयर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 3 स्केयर 9, माइनस में 4 2 8, 8 5 40। डी के लिए क्या है, -31। सो रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो अब हमको फाइंड कैसे करेंगे भाई, ये सब यहीं तक होगा। अगर एग्जिस्ट करते ना तब उनको हम फाइंड करते, अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। ऐसे ही पार्ट सेकंड है, ऐसे ही थर्ड है, तो एक सेकंड पार्ट और कर लेते हैं। जैसे कि सेकंड पार्ट है बेटा, 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो से। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 3 आ जाएगी, ऐसे बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4√3, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ए बी सी तीनों का पता चल गया भाई, फिर हम क्या निकालेंगे, अब डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये डी का फॉर्मूला है। अब वैल्यू निकालेंगे, -4√3 का स्क्वेयर, बी स्क्वेयर यानी कि -4√3 का स्क्वेयर,
माइनस में 4, ए की वैल्यू क्या है 3 और सी की वैल्यू क्या है 4। अब देखिए माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर कैसे करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे, पहले 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, ठीक है, फिर रूट 3 का स्क्वायर क्या आएगा 3, और ये दोनों मल्टीप्लाई के अंदर हैं तो स्क्वायर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसे 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 = 48, यानी माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा, माइनस में 4 3 = 12 12 4 = 48, 48 - 48 क्या आया 0, अब डी की वैल्यू 0 है। सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, अब वो रियल भी हैं और इक्वल हैं। अब रियल रूट एग्जिस्ट हैं भाई, यहाँ एग्जिस्ट करेंगे तब उनको फाइंड भी करेंगे हम, देखिए कैसे फाइंड करेंगे हम। जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं रूट्स फाइंड आउट करने के लिए। जैसे फॉर्मूला क्या था, x = -b ± √b² - 4ac/2a, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x = -b ± √d/2a, ये d है, b² - 4ac d का फॉर्मूला होते हैं। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, जैसे यहाँ से आ जाएगा x = -b की वैल्यू क्या है -4√3 है, तो माइनस और b की वैल्यू -4√3 ±√d यानी कि 0 है / 2a, a की वैल्यू क्या है बेटा 3, 2 × 3, x = ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4√3, और प्लस माइनस 0 का रूट 0 ही आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब एक बार तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे, 0 को एक बार नेगेटिव लेंगे, 0 प्लस करें या 0 माइनस करें तो यही बचेगा, सेम ही रिजल्ट रहेगा, चेंज तो होगा ही नहीं कुछ। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 4√3/6। अब 2 से हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 = 4, 2 3 = 6, यानी कि x की वैल्यू क्या आई बेटा, x की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ से 2√3/3। तो फिर x की वैल्यू हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2√3 एज इट इज, इस 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √3, ठीक है, तो ये √3 से √3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। सो रूट्स आ जाएंगे √2√3, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे, 2/√3, 2/√3, ये क्या हो गया हमारे रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही थर्ड पार्ट बेटा, सबसे पहले हम डी निकालेंगे, डी से हमें ये पता चल जाएगा कि भी रूट्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, फिर अगर एग्जिस्ट करते होंगे तो हम इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट्स निकाल लेंगे। अब करते हैं सेकेंड सम, सेकेंड क्वेश्चन बेटा वेरी एंड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जरूर आते हैं 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। यहाँ ये गिवन है कि जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डी की वैल्यू 0 के इक्वल आए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डी फाइंड आउट करेंगे और डी की वैल्यू निकाल के 0 के इक्वल रख लेंगे, वहाँ से फिर हमारे के की वैल्यू आ जाएगी। देखिए बेटा फर्स्ट पार्ट, 2x² + kx + 3 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ से हम डी निकालेंगे, डी का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac, तो b की वैल्यू क्या होगी k, k का स्क्वायर माइनस में 4
ए और सी की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, तो यह आ जाएगा के स्केयर माइनस 4 × 3 = 24। लेकिन इफ रूट्स आर इक्वल देन डी इक्वल टू 0, सिंस के स्केयर माइनस 24 इक्वल टू 0, के स्केयर इक्वल टू 24, के की वैल्यू क्या आ जाएगी √24। तो √24 को हम क्या लिख सकते हैं, √24 को हम लिख सकते हैं बेटा, यानी इसके हम प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, जैसे यहाँ प्राइम फैक्टर कर लीजिए 24 के, ठीक है, 2 = 12 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 3 आ जाएगा, फिर ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ ये 2 का क्या बन गया, पेयर बन गया, तो ये पेयर में से एक 2 बाहर आ जाएगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों रूट आ जाएगी इन दोनों के ऊपर, 2 × 3 = 6, यानी के वैल्यू क्या आई 2√6, ये हमारा आंसर होगा। ऐसे ही पार्ट सेकेंड है, पार्ट सेकंड भी हम करवा देते हैं, जिसे पार्ट सेकंड क्या है बेटा, के एक्स इंटू में एक्स माइनस 2 + 6 = 0। तो यह आ जाएगा के एक्स स्केयर माइनस 2 kx, इसके एक्स किन दोनों टर्म के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दी, +6 = 0। तो यहां से अब कंपेयर करेंगे ना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी k, ठीक है, और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 2k, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। अब d निकालेंगे, d का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्केयर माइनस 4ac, बी स्केयर यानी कि माइनस 2k का स्केयर माइनस में 4a और c, यानी कि 4k स्केयर माइनस 24k। फिर वही बात, इफ रूट्स आर रियल, रूट्स आर इक्वल देन डी इक्वल टू 0, सिंस 4k स्केयर माइनस 24k इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, जैसे 4k यहाँ से कॉमन आ रहे हैं, तो 4k कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा k, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 6 इक्वल टू 0, 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4k 0 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, और यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, तो ये k की वैल्यूज आ गई, k इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 6। तो ये इस वीडियो के अंदर हमने बेटा 2 क्वेश्चन किए हैं, फर्स्ट और सेकंड, आप सभी को समझ में आ ही गए होंगे दोनों क्वेश्चंस। तो जिन जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है SGS मिलकपुर उसको सब्सक्राइब करना, और किसी बच्चा का अगर कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य राइट करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।